नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेंसेक्स के सुल्तान सीजन 4 में। आज हम सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता में मौजूद हैं और कोलकाता में हम आज चार कंटेस्टेंट्स को परखेंगे और हो सकता है इन्हीं चार कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट बने सेंसेक्स के सुल्तान का विजेता। और शुरुआत करने से पहले मैं बुलाना चाहूँगा आज की जूरी को। सबसे पहले अब मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर अजय बग्गा को जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, राजेश अग्रवाल AUM कैपिटल से, मिस्टर गौतम शाह JM फाइनेंशियल से हैं हमारे साथ। तीनों ही मेहमान जो हैं मौजूद हैं आज के कार्यक्रम को जज करने के लिए। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने चार जो कंटेस्टेंट हैं सिटी राउंड के। एक एक करके मैं चारों कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूँगा। पहला नाम है अनुज डुंगरवाल का कि वो स्टेज पर आएँ, साथ ही साथ अश्वनी लखोटिया, ये हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं। इसके अलावा शीर्षेंदु गायन, ये हमारे तीसरे कंटेस्टेंट हैं, और साकेत झुंझुनवाला, ये हमारे चौथे कंटेस्टेंट हैं। शुरुआत अनुज आप ही के साथ ही करूँगा। पहले तो ये बताएं आप करते क्या हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, BCOM फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ और फाइनेंस मार्केट का भी कोर्स कर रहा हूँ साइड से। अश्वनी आपकी तैयारी किस तरह की है? तैयारी बहुत अच्छी है, अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा नर्वसनेस है। शीर्षेंदु आप क्या करते हैं? इवेंट सप्लाई एनालिस्ट। थैंक यू सो मच। आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली अपने फादर के बिजनेस में हूँ अभी करेंटली। मुझे 4-5 साल हो गए स्टॉक मार्केट में। करेंटली मैं CFE की पढ़ाई कर रहा हूँ अभी और आगे आगे देखता हूँ कितना फाइनेंशियल को मैं क्रंच आउट कर पाता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे जो पहला राउंड है उसकी, डेरिवेटिव राउंड, जहाँ पर डेरिवेटिव राउंड में हम चारों कंटेस्टेंट्स को करीब करीब 90 सेकंड्स देंगे और 90 सेकंड्स में एक एक टॉपिक देंगे। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उन्हें अपने प्रेजेंटेशंस देने होंगे और प्रेजेंटेशन के बाद हर जज आप लोगों से सवाल करेगा उस प्रेजेंटेशन के आधार पर। जजेस के सामने दो बॉल्स रखे गए हैं, उन बॉल्स के अंदर आपके नाम भी हैं और टॉपिक्स भी हैं। तो किसके पास कौन सा टॉपिक जाएगा और किस कंटेस्टेंट का नाम सबसे पहले आएगा ये भी कहना मुश्किल है। और अब मैं जूरी से चाहूँगा यानी कि अजय जी पहला जो नाम है वो आप बताएं और साथ साथ उनका जो टॉपिक है वो भी आप ही बताएं। तो पहले कंटेस्टेंट जिनका नाम निकला है सुमित, अश्विनी लखोटिया जी, आपसे पहला राउंड पूछा जाएगा। आपका जो टॉपिक है वो है व्हाई टू बिग टू फेल इज लाइक अ मोरल हैजार्ड इन द बैंक। ओके, आपका 90 सेकंड का शुरू समय जो है वो शुरू होता है अब। टू बिग टू फेल, टू बिग टू फेल, व्हेन बैंक बिकम्स टू बिग टू फेल, देन दे नो द फ्यूचर इम्पैक्ट दैट इफ दे फेल दे विल क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शंस इन फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमी एंड बैंकिंग। टू बिग टू फेल इज ऑल्सो कंसिडर्ड, वी कैन कंसिडर एज लाइक इन 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस वॉज अ बिग, as it was a very sound, very good bank and it failed. So also we can say too big to fail in as per RBI has given the status, still retains in 2016 to ICICI and SBI, the amongst to these two banks amongst India, the RBI has given to sustain the status. Also, major hazards of too big to fail is moral and physical. In moral section, we can say the attitude of bank, perception of bank and habit of bank. It can also destruct them because if too big to fail, they know their impact, what it can happen if it destruct. So they try because they know that if we fail, government will bail them out anyhow. So that is why, and it has also her book also there. Book is also written and a movie time also. Time out, time out, time out, time out, time out. चलिए अब जूरी के पास चलते हैं। सबसे पहले गौतम। Well, my question to you is very simple. Do you think this is a valid risk for any market participant, an investor? If yes, how does he deal with such a risk? Because these are things that happens, you know, once in many months or many years. So as an investor, how do you deal with such risks? As a trader, it's definitely a risk, a big risk. But as an investor, he doesn't have to bother about the few conditions in market down and up. He needs to have liquidity. Liquidity उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अगर market नीचे जाता है इस impact के कारण तो वो वहाँ पर buy कर सके. And दूसरा,
it is valid, as you said, that it is valid that market participants has a risk if this all things happens. For derivative traders, what they can do, they can hedge their position in such times, or in taking any buy position or short position, they should hedge their by taking options, put or call, either sides they are having, vice versa. Rajesh, आपका सवाल क्या होगा? अश्विनी, आपने जो टॉपिक था आपका, वो टू बिग टू फेल था, डेरिवेटिव से नहीं, मैं थोड़ा हटके एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट डेरिवेटिव से नहीं है। कितने रुपए की गारंटी आरबीआई देते हैं एक खाता धारक को कि उसकी फेलियर ना हो? जब मान लो कोई बैंक फेल होता है तो कितने रुपए की गारंटी आरबीआई की रहती है? आई सपोज 1 लाख। ओके, 1 लाख। अच्छा, अभी आप समझो कि डेरिवेटिव मार्केट में ये जो फेलियर का रिस्क है, जैसे गौतम भी अभी बात कर रहे थे, तो उसमें अगर आपकी पोजीशन नेकेड है या बड़ी पोजीशन खड़ी है, ओवरनाइट ऐसा कोई सिचुएशन आता है, तो उस सिचुएशन में एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में ट्रेडर को सबसे पहले तो अपनी बैंक अकाउंट चेक करनी चाहिए कि उनके पास M2M देने के लिए कितना है, और इन्वेस्टर को, जैसे मैंने कहा था, कि कोई भी टेंशन लेने की दरकार नहीं है, ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं और ऐसे हैजर्ड्स बहुत कम होते हैं, बट इवेंट्स अगर अपने देखें तो पर्टिकुलरली 1 महीने या 2 महीने में के दौरान कुछ ना कुछ आ जाता है। ओके, अगले कंटेस्टेंट की तरफ भी चलेंगे। अगला कंटेस्टेंट राजेश जी, आप निकाल के बताइए कौन कंटेस्टेंट है और क्या टॉपिक है उनका। नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज सुशेंदु गायन। ओके, एंड द टॉपिक इज क्रेडिट डेरिवेटिव्स। और 90 सेकंड्स का जो समय है वो शुरू होता है अब। देखिए, क्रेडिट डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप आपका खुद का क्रेडिट दूसरे को विलिंग थर्ड पार्टी को पास कर सकते हैं, जैसे सो एज टू ट्रांसफर एंड सेग्रीगेट एंड ट्रांसफर योर क्रेडिट रिस्क टू अ थर्ड पार्टी हु इज विलिंग। क्रेडिट डेरिवेटिव डिफरेंट टाइप का होता है, एसेंशियली दिस आर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंश्योरेंस मतलब जैसे आप लोन लिया, वो लोन जो दिया बैंक ने दिया, तो बैंक ने तीसरे किसी को वो लोन बेच दिया अगेंस्ट अ प्रीमियम, और यू कैन कॉल बैंक ने पुट खरीद लिया वो लोन के अगेंस्ट में, जो पुट का प्रीमियम वो तीसरे कोई पार्टी को दे रहा है। अगर लोन डिफॉल्ट हो गया वो तीसरे जो पार्टी है वो पार्टी वो लोन का पैसा बैंक को दे देगा। ऐसे क्रेडिट डिलीवरी प्रोडक्ट्स आर वेरी पॉपुलर, सो दैट द मान लो एक लेंडर का क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ख़राब है, तो लेंडर को लोन मिलने के लिए क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट खरीद लेता है बैंक के। अगर बैंक का डिफॉल्ट हो गया तो मतलब बैंक उसको वो लोन का डिफॉल्ट का जो रिस्क है वो थर्ड पार्टी को बेच दिया। बैंक के इसमें रिस्क है, वो थर्ड पार्टी जो है जो क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट देता है, जैसे CDO, जैसे ARC, तो वो थर्ड पार्टी का क्रेडिट वर्थिनेस बैंक को जांच करना है। क्रेडिट डेरिवेटिव बैंक के लिए पुट होता है, लेंडर के लिए एक लास्ट एंड वो क्रेडिट हिस्ट्री खराब होता है उसको लेने मजबूरी हो जाता है। अजय, आप पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मैं तो डिमांड सप्लाई में सोच रहा हूँ अभी क्या पूछूं इनसे, इन्होंने हमें बेबाक कर दिया है जी। तो सुशेंदु, CDO क्या होता है? CDO होता है सेंट्रलाइज्ड डेट ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड डेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक उदाहरण के स्वरूप मैं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन CDO, और इफ आई एम रॉन्ग मे बी आप इसे समझा सकते हैं क्या होता है? मतलब एक जो डेट को सारे लोन को इकट्ठा करने का एक जो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज ट्राइंग टू मेक अ बैड बैंक कुछ देर टू नहीं, आप बहुत गलत रास्ते पे चले गए, आपके मार्क्स जाते हैं। CDO है collateralized debt obligation। Okay, thank you. ठीक है, राधर राजेश। अच्छा, आपने कहा कि क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो है वो रिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जो क्रेडिट दिया हुआ है उसने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, राइट? तो इज इट द ओनली पर्पज ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स या और भी कोई काम में आता है? सो फॉर माई अंडरस्टैंडिंग इट्स आर टेकिंग अ इंश्योरेंस अगेंस्ट द क्रेडिट, दैट्स द प्रिंसिपल यू नो ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर एंड गेट सिक्योर्ड फॉर दैट गेटिंग अ इंश्योरेंस अगेंस्ट अ प्रोबेबल डिफॉल्ट। नहीं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को बेचा, ठीक है, तो वो दूसरा पार्टी अपने पास ही रखेगा टिल द एक्सपायरी और आगे भी बेच देगा या कुछ ऐसा करेगा?
दूसरा पार्टी अपने पास रखेगा, मतलब दूसरा पार्टी विल एंजॉय द पार एनम फी और वट एवर फी द बायलैटरल एग्रीमेंट जो होता है टिल द लोन एक्सपायर्स, आई मीन लोन द रिपे। अगर लोन रिपे नहीं हुआ वो थर्ड पार्टी जो विलिंग उसको वो रिपे करना पड़ेगा बैंक को। दैट्स एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड द पार्टी हु गेट्स दैट। तो इसमें काउंटर पार्टी रिस्क तो है, काउंटर पार्टी रिस्क है, डेफिनेटली है। मैं बता दूं आपको, ये टोटल एक्सपायरी तक रखना ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसे होते हैं कि जिसने लिया है क्रेडिट स्वैप्स वो आगे किसी और को बेच देता है। इसमें कोई हेजिंग के लिए करता है, कोई ट्रेडिंग के लिए करता है, कोई स्पेकुलेशन के लिए करता है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। खाली इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ रिस्क ट्रांसफ़र करने के लिए ही यूज़ नहीं हो रहा है, इसे ट्रेड भी किया जा रहा है, स्पेकुलेट किया जा रहा है। कई लोगों को लगता है कि ये पार्टी डिफॉल्ट होने वाली है और इसलिए उसको क्रेडिट स्वैप के मार्केट तय भाव तय करते हैं। थैंक यू।